नमस्कार। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के करोड़ों लोग बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यह भव्य राम मंदिर नए भारत की अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राम मंदिर की लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। पूरा मंदिर परिसर 70 एकड़ का है, जिसमें मुख्य मंदिर 2.77 एकड़ के दायरे में है। वहीं परकोटा के क्षेत्र को जोड़ने पर मंदिर की परिधि 8 एकड़ है। मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। सागौन की लकड़ी से मंदिर के 42 दरवाजे बनाए जाएंगे, जो 15 फीट ऊंचे और 10 फीट चौड़े होंगे। पूर्व दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार का नाम दिया गया है, उसके समेत कुल 5 प्रवेश द्वारों से मंदिर में एंट्री की जाएगी। इस 3 मंजिला मंदिर में 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इन मंडपों से होते हुए ही श्रद्धालु सबसे आखिर में मौजूद गर्भगृह तक पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। मंदिर के चारों ओर बनाए गए परकोटे में सूर्यदेव, भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, केवट, निषाद राज, शबरी और जटायु के मंदिर भी परिसर में मौजूद होंगे। जबकि 70 एकड़ के पूरे परिसर के 30% हिस्से में ही निर्माण होगा और बाकी क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मंदिर में लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। मंदिर के सामने पहुंचने के बाद 33 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को 12 बजे के बाद का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, लेकिन इसकी विधि 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से आम जनता रामलला के दर्शन कर सकेगी। भगवान रामलला की जिस प्रतिमा को स्थापित किया जाना है वो श्याम वर्ण की है। 5 साल के रामलला की विग्रह को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनने से देश के लोगों को क्या रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक केवल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कारण ही देश में 50,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तीर्थ स्थलों की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। अयोध्या में नए विकसित किए गए रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, तो वहीं इससे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा टूरिज्म और अकोमोडेशन समेत अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ साथ अयोध्या में स्थानीय व्यापारियों के लिए भी मंदिर बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नए राम मंदिर को लेकर केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों में भी खासा उत्साह है। विदेशों से भी लोग राम मंदिर आकर रामलला के दर्शन करने को ललायित हैं। ऐसे में जब वो अयोध्या आएंगे तो इससे निश्चित तौर पर देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होगा। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या का राम मंदिर, इन तीर्थ नगरियों में हो रहे विकास से जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्टर मिलेगा।